एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है, द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द ईयरली सेल्स फिगर्स ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहां पर आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, ये जो ग्राफ है ये क्या शो कर रहा है, एक कंपनी का, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का सेल्स वो शो कर रहा है। ठीक है, आप ग्राफ देख सकते हो, एक्स एक्सिस में ईयर्स दिया हुआ है 2002 से लेकर 2006 तक का, और जो वाई एक्सिस है वहां दिया हुआ है सेल्स, वो भी करोड़ में। ठीक है, तो इस ग्राफ को कैसे रीड किया जाएगा कि ईयर 2002 में कंपनी ने कितने करोड़ का माल बेचा, फिर वैसे ही ईयर 2003 में कंपनी ने कितने करोड़ का माल बेचा। ठीक है, ये सारा डिटेल्स इस ग्राफ में आपको दे दिया है। अब इस ग्राफ से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है जिसको हम लोग व्हाइट बोर्ड में देखकर सॉल्व करेंगे। तो चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो ये जो ग्राफ है ये क्या शो कर रहा है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ठीक है, किसी चीज का मैन्युफैक्चर करती है, वो कुछ भी हो सकता है, कार हो सकता है, बाइक हो सकता है, मोबाइल फोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अब वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हर साल जितने भी माल बेचती है, जितने भी करोड़ का, उस चीज को इस ग्राफ में रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे कि ये एक्स एक्सिस आप देखो यहां पर दिया हुआ है ईयर्स, और जो वाई एक्सिस दिया हुआ है यहां पर दिया हुआ है सेल्स। अब ये जो 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये आपको दिख रहा है ये करोड़ है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको मेंशन कर दिया है ग्राफ में कि ये करोड़ में, 2 मतलब 2 करोड़, 4 मतलब 4 करोड़, 6 मतलब 6 करोड़, ऐसे ही। ठीक है, और यहाँ ईयर आप देख लो 2002, 2003, 2004 एंड सो ऑन। तो अब हम लोग इस ग्राफ को कैसे रीड करें। ठीक है, यहाँ पर देखो कंपनी का सेल्स कैसे, ये एक लाइन ग्राफ है, आपको क्वेश्चन में बता दिया है। इसको रीड करने का तरीका ये है कि कंपनी ने 2002 में कितने करोड़ का माल बेचा, ये कैसे पता चलेगा, 2002 के ऊपर जो पॉइंट है उसको हम लोग वाई एक्सिस की तरफ लेके जाएंगे और देखेंगे कितने करोड़ का सेल्स है। तो 2002 में आप देख सकते हो 4 करोड़ का सेल है। इसी तरीके से इस ग्राफ को रीड किया जाएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है, अपन एक एक करके उस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ए में क्या पूछा है। पार्ट ए में पूछ रहा है व्हाट वेयर द सेल्स इन 2002 और 2006। तो यहां पर दो पार्ट है, फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, पहले ये पूछ रहा है कि ईयर 2002 में इस कंपनी का टोटल सेल कितना रहा, और फिर पूछ रहा है ईयर 2006 में इस कंपनी का सेल कितना है। तो हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम लोग को ईयर दिया हुआ है, तो देखो ईयर ये है और ये पूछ रहा है कि कितने करोड़ का सेल है। तो ईयर ये है 2002। ठीक है, पहले 2002 का पूछा है, तो 2002 से यहां पर देखो 2002 के ऊपर का जो डॉट है वो ये है, यहां से एक डॉटेड लाइन अपन लेके जाते हैं यहां तक का। ठीक है, अब इसको वाई एक्सिस में हम लोग मिला के देखते हैं कि कहां जा रहा है। तो इसको वाई एक्सिस में अगर आप लेके जाओगे तो ये 4 में आ रहा है, इसका मतलब ईयर 2002 में इस कंपनी ने 4 करोड़ का माल बेचा है। इसका आंसर आएगा 4 करोड़ रुपीज या 4 करोड़ भी आप लिख सकते हो। उसके बाद यही चीज ईयर 2006 के लिए भी पूछा है। तो ईयर 2006 का आप देखोगे तो ये इसका पॉइंट है। ठीक है, तो यहां से मैं इसको ड्रॉप डाउन ये ले आता हूं, देखो ये हो गया ईयर 2006 का। अब यहां से इसको लेफ्ट साइड लेके जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में जब आप लेके जाओगे तो ये ऑलमोस्ट आपको यहां पर स्ट्रेट नहीं आ रहा है। ठीक है, ये 6 और 7 के बीच में आ रहा है। ठीक है, जैसा आपका ग्राफ टेक्स्ट बुक में बना हुआ मैं देख लेता हूँ। ठीक है, ये 8 में आ रहा है, 6 में नहीं है, ये 8 में जाएगा। देखो व्हाइट बोर्ड में जो मैं ग्राफ बना रहा हूँ वो किसी मेजरमेंट से नहीं बन रहा है, इसलिए ये आड़ा तिरछा हो सकता है। जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है उसमें अगर आप मैच करोगे तो ये जो सेल्स है ईयर 2006 का ये आपको 8 करोड़ का दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ सेल्स आएगा ₹8 करोड़। ठीक है, आगे देखते हैं इसका पार्ट बी में क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। पार्ट बी में बोल रहा है व्हाट वेयर द सेल्स इन ईयर 2003 एंड 2005। अब यहां पर आपको फाइंड आउट करना है कि ईयर 2003 में कितना सेल्स किया कंपनी ने और ईयर 2005 में कंपनी का सेल कितना रहा। ठीक है, तो ईयर 2003 का आप देखो तो ये वाला डॉट है। ठीक है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर डॉटेड लाइन से आप नीचे उतारे तो ये सीधा 2003 पे ही जाएगा। ठीक है, और अगर इसको वाई एक्सिस में लेके जाएंगे तो आप देखो ये जो वाई एक्सिस में जा रहा है ये 6 और 7 के बीच में जा रहा है, सॉरी 6 और 8 के बीच में जा रहा है। तो 6 और 8 के बीच में क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है, ये 7 करोड़, यानी कि कंपनी ने ईयर 2003 में 7 करोड़ का सेल्स किया है। अब उसके बाद यहाँ पर 2005 का भी पूछा है, 2005 का अगर देखेंगे तो 2005 का पॉइंट है, इसको अपन नीचे उतार लेते हैं यहाँ से ऐसे डॉटेड लाइन से, और इसको अगर वाई एक्सिस में अपन लेके जाएंगे ये वाई एक्सिस में जाके सीधा मिलेगा 10 पे। ठीक है, टेक्स्ट बुक में भी 10 पे मिला हुआ है।
इसका मतलब ये 2005 में कंपनी का जो सेल रहा वो रहा 10 करोड़ का, ठीक है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का पार्ट बी। आगे बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन का पार्ट सी देखते हैं। सी में पूछ रहा है कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स इन 2002 एंड 2006। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2002 में कंपनी ने जितना सेल किया है और 2006 में जितना सेल किया है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो, ठीक है। तो हमारे पास दोनों का डेटा है, 2002 का भी और 2006 का भी है। तो पार्ट सी में देखो डिफरेंस कितना आएगा। डिफरेंस आएगा ईयर 2002 में कंपनी का सेल था 4 करोड़ और ईयर 2006 में था 8 करोड़। तो 8 करोड़ माइनस 4 करोड़, तो आ जाएगा 4 करोड़, ठीक है। यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 4 करोड़ आएगा। देखते हैं डी में बोल रहा है इन विच ईयर वॉज देयर द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। इसका मतलब कौन सा ऐसा साल था जिसमें बहुत ज्यादा गैप था। दो ऐसे साल होंगे जिनमें बहुत ज्यादा गैप होगा सेल्स में, ठीक है। और वो जो ईयर है वो एक के बाद एक आना चाहिए, यानी कि 2003 के बाद 2004 अगर आप देखोगे तो यहां पर कितना गैप आ रहा है, 4 करोड़ से 7 करोड़, यहां पर 3 करोड़ का डिफरेंस है। अब उसके बाद यहां देखो 2003 से 2004, तो यहां पर सेल्स डाउन हो गया है। देखो यहां 7 से 6 आ गया, नीचे आ गया। फिर उसके बाद 2004 से 2005 अगर आप देखोगे तो 7 करोड़ से 10 करोड़, ठीक है, यहां पर भी बढ़ रहा है 6 करोड़, सॉरी 6 करोड़ से 10 करोड़, यानी कि 4 करोड़ का डिफरेंस है। मैं आपको डिफरेंस यहां लिख के दिखा देता हूं। यहां पर 3 करोड़ का डिफरेंस है और यहां पर 1 करोड़ का डिफरेंस है क्योंकि 7 से 6 में आ गया। यहां पर है 4 करोड़ का डिफरेंस और ये जो है 2005 से 2006, तो यहां पर देखो 10 करोड़ और ये 8 करोड़, यानी कि 2 करोड़ का डिफरेंस है। तो अब आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा ऐसा साल था कंटिन्यूअसली जिसके बीच में सबसे ज्यादा डिफरेंस रहा। तो यहां पर 2004 और 2005 के बीच में 4 करोड़ का डिफरेंस है। तो इसका आंसर आएगा, आपको टाइम पूछा है, ठीक है, आपको ईयर पूछा है यहां पर यहां पर आपका आंसर आएगा 2004, ठीक है, इस बीच में सबसे ज्यादा डिफरेंस रहा है कंपनी के सेल्स में, ठीक है। तो ये हो गया एक्सरसाइज 15.1 का सेकेंड क्वेश्चन।